हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। वीडियो का पार्ट 9 है और वीडियो का पार्ट 8 से लेकर पार्ट 1 आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2, जो बेस है डिफिनीशन 1.1 एंड 2 एंड बाई जैक्सन फंक्शन। तो डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सारे आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये क्या दिखाना क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक का ये, और क्वेश्चन इसमें आपको 1.1 एंड 2 दिखाना है, फंक्शन डिफाइंड है। और इसमें एक और बोला है कि अगर इसके कोडोमेन में, मतलब इसके कोडोमेन में अगर हम चेंज करें, डोमेन चेंज करें, तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डैट द फंक्शन या सच डैट आर टू आर, मतलब डोमेन भी आर है, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 1/x इज 1.1 एंड अन टू, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ आल नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आर हमें यह रियल नंबर तो है, बस इसके अंदर जीरो नहीं लेने हैं। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर रिप्लेस बाई एन विद कोडोमेन बींग सेम आर। आपसे ये कह रहा है कि ये जो R है ना, ये रियल नंबर है, बस इसके अंदर जीरो आप इंक्लूड नहीं है, जीरो आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। और क्या है, इसको 1.1 एंड 2 दिखाना है फंक्शन को। उसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर इसके डोमेन में नेचुरल नंबर रख दिया जाए, तब क्या वो भी 1.1 एंड 2 होगा कि नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में, पहले आप देखिए फंक्शन क्या गिवन है, एफ सच डैट नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर, ओके। और फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इजकल टू 1/x डिफाइंड है। आपको शो करना है कि 1.1 एंड ऑन टू ये दोनों हो जाए, यही आपको शो करना है। तो हम पिछले वीडियो में पार्ट में काफ़ी अच्छे से इसके इस पर बताए हैं कि कैसे आप 1.1 एंड 2 शो करना है। सबसे पहले 1.1 शो करते हैं इस डोमेन को लेके, तो इसमें 1.1 कैसे आप दिखाओगे, चलिए देखते हैं। 1.1 दिखाने के लिए आपको दो डिस्टिंक नंबर डोमेन से लेने हैं, अगर फंक्शन भी अलग अलग आता है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, फंक्शन भी डिस्टिंक आना चाहिए, तो 1.1 हो जाएगा। जैसे आपको दो x1 x2 डिस्टिंक लेना है, किससे लेना है, डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से लेना है, ठीक है। तो इसके अगर ये फंक्शन भी क्या आ जाए, डिस्टिंक आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1.1 है, क्या है, 1.1 फंक्शन है। तो कोई भी आप नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी आप ले लीजिए जिससे डिस्टिंक हो। तो चलिए हम यहाँ पर x1 = 1 ले लेते हैं और x2 = 2 ले लेते हैं, दोनों डिस्टिंक हैं। अब इस फंक्शन में आप रखिए, तो फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड था, एफ एक्स इजकल टू 1/x, हमें एफ 1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ 2 निकालना पड़ेगा। अब रखिए यहाँ पर, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, तो 1/1 और 1/2, यानी ये आ गया 1 ≠ 1/2, दोनों अलग अलग आ गए। इसका मतलब ये हमारा जो गिवन फंक्शन है, जो इसका नॉन जीरो डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो हम कह देंगे ये 1.1 फंक्शन होगा, क्या होगा, 1.1 फंक्शन होगा। आइए देखते हैं आगे कि दोनों डिस्टिंक आ गए, तो हम कह देंगे इम्प्लाई एफ एक्स इजकल टू 1/x इज 1.1 फंक्शन, ओके। अब आप इसको ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाओगे, ऑन टू फंक्शन आप कैसे इसको शो करोगे। तो फंक्शन हमारा क्या गिवन था, आर टू आर नॉन जीरो रियल नंबर है, और एफ एक्स क्या हमारा गिवन है, 1/x। ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए क्या हमने डिफिनेशन बताया था कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, R ये डोमेन को डोमेन वाला R है हमारा, को डोमेन, ओके। देन देयर एग्जिस्ट
देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये डोमेन कार है, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो अनटू फंक्शन है। आपको ये जो कोडोमेन से आप कुछ भी वाई बराबर ले सकते हैं, ठीक है, ये डिफिनिशन है कैसे इसको शो करते हैं। मैंने कराया है इस पर वीडियो में, पिछले वीडियो में इस मैंने बताया था। तो चलिए हम यहाँ से कोडोमेन से यानी वाई इक्वल टू हम कोडोमेन से क्या ले लें, नॉन जीरो, जीरो छोड़ के आप कुछ भी ले लेना है। तो आइए देखते हैं, वाई बराबर हमने टेक, वाई बराबर कोडोमेन से लेना है, वाई बराबर हमने टू ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मिल जाएगा आर डोमेन से, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बराबर क्या हम ले कि जो हमारा ये फंक्शन वन बाई एक्स है, हमें क्या लेना है, वाई बराबर हमने टू ले लिया हुआ है तो टू ले ली। अब एक्स बराबर यहाँ से आप आर से नॉन जीरो लेना है, क्या लोगे यहाँ पर कि टू आ जाए। तो एक्स बराबर अगर हम वन बाई टू ले लें, तो जब यहाँ पर वन बाई टू आप रखोगे तो क्या आएगा, ये भी टू आएगा और हमें वाई बराबर भी टू लेना, तो मिल गया, एग्जिस्ट कर गया। तो देयर फॉर एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स इज आन टू फंक्शन, ओके। कुछ नहीं करना था, आप कोडोमेन से कुछ भी ले सकते हैं, और कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर जाए डोमेन से जिसकी वैल्यू यहाँ पर आप रखो तो वो वाई के बराबर आ जाए। तो हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स था, हमने वाई बराबर यहाँ पर टू लिया हुआ है, अब एक्स हम इससे लेना है डोमेन से, तो एक्स बराबर वन बाई टू अगर आप लोगे तो देखिए टू आ जाएगा, आप रखोगे बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनटू फंक्शन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम इस फंक्शन को चेंज कर दें, इसके डोमेन को हम नेचुरल नंबर कर दें, तो क्या वो सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आइए देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर अगर डोमेन को चेंज करके हम नेचुरल नंबर, पहले फंक्शन में क्या डिफाइन था, आर से आर डिफाइन था, ठीक है। अब इसने बोला है कि आर को तुम रिप्लेस करो, किसके, नेचुरल नंबर के से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के लिए उसके बाद बताइए क्या सेम वन वन एंड टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं एफ सच डेट एन टू आर, ठीक है, और फंक्शन क्या डिफाइंड है, वन बाई एक्स, सेम वही वन वन एंड टू, वन वन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, डोमेन से कोई दो डिस्टिंक नंबर लो, आप कोई भी डिस्टिंक नंबर लीजिए डोमेन से। तो इसमें हम क्या करते हैं, डोमेन हमारा इस बार नेचुरल नंबर हो गया है, तो कोई भी वन वन का डिफिनेशन वही है, नॉट इक्वल टू इम्प्लाई एफ एक्स, वन भी क्या आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हम कह देंगे वो वन वन फंक्शन है, क्या है, वन वन फंक्शन है, डिफिनेशन तो यही बताया था मैंने। तो चलिए यहाँ से हम एक्स वन बराबर वन ले लें और एक्स टू बराबर थ्री लेते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इस फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ऑब्वियस अलग आएगा। तो एफ वन एक बार निकालिए, एक बार वन वन एफ थ्री निकालिए, तो वन रखोगे तो वन मिलेगा, यहाँ पे एफ वन रखोगे तो वन बाई वन वन आएगा, और जब थ्री रखोगे तो वन बाई थ्री आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं। हमने एक्स वन एक्स टू डिस्टिंक लिया, फंक्शन में रखा वो भी डिस्टिंक आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये वन वन फंक्शन होगा, ठीक है, अगर इसका हम डोमेन नेचुरल नंबर कर देंगे तब, ओके। अब आगे इसमें अनटू की बात करते हैं हम, अनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, अनटू फंक्शन के लिए बात करते हैं। अनटू फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया डिफिनीशन, पिछले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप वाई बराबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में वाई बराबर क्या लें, तो वाई बराबर हम चलिए हम वाई बराबर ले लेते हैं 1.2 ले लेते हैं, रियल नंबर से होगा, बिलोंग करता है, हमारा फंक्शन न्यू फंक्शन हमारा ये हो गया है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है,
वन बाई वाई बराबर हमने वन वन पॉइंट टू ले लिया, 1.2 हमने टेक y बराबर 1.2 ले लिया। अब हमें क्या लेना है, एफ एक्स बराबर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमने क्या लेना है, एक कोई x ऐसा मिल जाए जो यहाँ डोमेन से, कहाँ से डोमेन, इस बार डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नंबर 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या कोई एक ऐसा मिलेगा नेचुरल नंबर जो 1.2 आ जाए, नहीं मिलेगा, कोई एक्स ऐसा मिलेगा ही नहीं डोमेन से, नेचुरल नंबर से, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखो तो 1.2 आ जाए, तो नहीं मिलेगा ऐसा, तो हम यहाँ पर ये नहीं, ये आंटू फंक्शन नहीं होगा। लिख लीजिए यहाँ पर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन नेचुरल नंबर सच डैट एफ एक्स इजकल टू 1.2। तो ये कोई एक्स ऐसा मिलेगा ही नहीं जो इसकी वैल्यू मिल जाए, यहाँ पर 1.2 आ जाए, हेंस एफ इज 1.1 तो होगा 1.1 बट नॉट आंटू। पहले जब डोमेन हमारा दोनों रियल नंबर था, नॉन जीरो रियल नंबर था, तब ये 1.1 आंटू दोनों था, बट अगर नेचुरल नंबर हो गया डोमेन तो ये आंटू नहीं हो रहा है, ठीक है, 1.1 हो रहा है। तो ये था पहला क्वेश्चन, 1.1 आंटू का पूछा गया था, इसमें दो क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या कहीं प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो बताइए कमेंट करके, फिर से दोबारा हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बस आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, 1.1 दिखाने के लिए आप डोमेन से के बारे में दो डिस्टिंक्ट लीजिए नंबर, और दोनों के फंक्शन में रखो एक्स की वैल्यू, वो भी अलग आए, तो हम कह देंगे क्या है ये 1.1 है। देखो यहाँ पे कितना इजी मेथड से बताया गया है, आंटू के लिए एक कोई यहाँ से कोई भी नंबर आप को डोमेन से लो, लो यहाँ पर जैसे मैंने 1.2 ली, जो रियल नंबर से होना चाहिए नंबर, तो वो फंक्शन के बराबर रख दो। अब कोई एक एक्स ऐसा इसके अंदर मिल जाए जो यहाँ पर रखें, तो ये पहले दूसरा नंबर 1.2 आ जाए, अगर आ जाता है तो 1.2 है, अगर नहीं आता है तो 1.2 नहीं है, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक थैंक यू, बाय बाय।